लुधियाना उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक राकेश पांडे की अकाली दल में शामिल होने की अफवाहों के बीच सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पांडे के साथ उनके निवास पर बैठक की और मीडिया की एक हिस्से की ओर से चलाई जा रही ऐसी खबरों को निंदनीय बताकर उसका पुरजोर खंडन किया। सांसद बिट्टू ने कहा है कि पांडे परिवार ने देश और पार्टी की विचारधारा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस छोड़ने पर सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह यहां उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग को लेकर पांडे से चर्चा करने पहुंचे हैं। उन्होंने उस निजी चैनल की भी निंदा की है जिसने ऐसी खबर को चलाया है। वहीं पर पांडे ने उनके अकाली दल में शामिल होने की अफवाहों का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, उनकी पार्टी में गिले शिकवे हैं पर नाराजगी नहीं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के लिए पूरी तरह से प्रचार करेंगे और ऐसे चैनल की निंदा करते हैं। पांडे जी ने हमेशा यह गल कही थोड़े चैनल ते भी जिन्हों पार्टी टिकट देगी असी उस पार्टी दे सिपाही हाँ, तो सिपाही के तौर पर पार्टी के नाल चलना। जिमें असी हर रोज़ मीटिंगा करते हाँ हर MLA साहबान, जिमें रोज़ मीटिंगा चलदियाँ भी किमें इलाके का प्रोग्राम बनना है, तो और प्रोग्राम आ जिहड़ा अज सारे काउंसलर सद के वो मीटिंगा जी अज पांडे जी ने की है। पर हाँ एक चैनल तो हुणी सानू पता लग्या भी ये गल चैनल ते चल रही सी, ये परिवार वो परिवार आ जिन्हें पार्टी खातर देश खातर कौम खातर अपना खून का कतरा कतरा डोलता, तो तुसी सोच सकते हो भी ये पार्टी छड़ के किसे पार्टी जाणगे। मैं समझदा ये मंदभागी गल आ, ये जिहड़ी गमराह करन वाली जिन्हें गल चलाई आ, असीं तां जे अपने हल्के का प्रोग्राम बनाउण आए हुए हां, तो जिन्हें जान कुरबानी देती होवे पार्टी लई, तुसी सोच सकदे हो भी उहदा पुत छे वार जिहड़ा पार्टी का MLA रहा होवे वो अपनी पार्टी तो पार्टी मां हुंदी आ, वो पार्टी नूं छड्ड के कदे किंतु परंतु हो सकता है। इस करके ये गलत गल कीती है किसी ने। अज भी मैं थोड़ा कहना आप पांडे जी खड़े आ, सब तो वध लीड पिछली बार भी नॉर्थ चो सी कांग्रेस पार्टी की, इस बार भी मेरी वारी आ इलैक्शन आ जी सब तो वध लीड आ जी वो पांडे जी के हल्के नॉर्थ च रहेगी, ये थोड़े मूहरे साबित हो जाएगा। नहीं नहीं चैनल कुछ भी चला सकते आजाद ने चैनल, पर पांडे जी मूहरे खड़े आ थोड़े, ये भी क्यों चलाई किने चलाई ये पिछे की मनसूबे आ कि कोई ओपोजिशन पार्टियां की ये पिछे कर रही खेड, वो गल्लां अलग ने, पर तुसी पांडे जी बुरे कड़े ने। तो साड़ी तो अज सवेरे दी ब्रेकफास्ट की मीटिंग सी उदे करके असी सारे काउंसलर ते सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, होर कोई मकसद नहीं। मैं लगता मीडिया नू सारयां नू उस खबर तो बाद भिणक पई, तो वो सारे अज मैं भी कहां भी इन्ना मीडिया क्यों, असी तो किसी दस्या भी नहीं गा भी मीटिंग अज साडी जिहड़ी आ इलाके बारे, पर तुसी पांडे जी आप गल कर लो भी ये गल चल रही है जी, ये की सच आ पुछो। मैं कदे कहा भी मेरी नाराजगी है किसी नाल, गिला जरूर हैगा, मैं आज भी कहना गिला सीगा, गिला तो चलता रहता नहीं जिथे कि फिर नहीं आपस में ख्याल मिलन गए तो अभी एक दूसरे को कहोंगे तो सही ना भी आ गल गलत हैगी है, पर गिला तो मैं हूँ भी कहना मेरा CM साहब नाल भी है, गिला अज भी CM साहब नाल है वा, पर लड़ाई नहीं कोई भी किसी भी गल की, जिथे जिथे कि ख्याल नहीं मिलते है किसी नाल भी हो चाहे, मैं अपनी गल जरूर कहांगा और सारे नूं पता भी मैं अपनी गल क्लीयरली कहना हुंदा वा। मैं कदे जे तुसीं सारे जणे भेज रहे हो तो शायद मैं जरूर जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा ना मेरा परिवार जा रहा।